हाय दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्या जी लाइव टच। तो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को मौर्या जी लाइव टच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को डेली इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाएंगे और हो सकता है आप लोग भूल जाएँ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्त, आप लोगों को हम अपने इन्फॉर्मेशन की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों का पेमेंट अभी तक नहीं आया है और कुछ दोस्तों का पेमेंट आया भी है, और कुछ दोस्तों का पेमेंट आया तो है लेकिन उनका जिन्होंने जितना जमा किया उसका यानी कि आधा भी पेमेंट नहीं आया है। तो इसका रीज़न क्या है और इसका जो पेमेंट हमारा पूरा नहीं आया है, कुछ ही आया है या फिर आया ही नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे पा सकते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार रहिएगा इन सभी बातों को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हम लोगों को पेमेंट क्यों कम दिया जा रहा है हमारी समझ से। मैं जो समझ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है या फिर कुछ और है, चले मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ उसमें क्या है। मैंने जहाँ तक अनुमान लगाया है कि सेबी ने पिछले जो पोस्ट में 3 दिसंबर को जो बताया था, उन्होंने उसमें बताया था कि मैंने 70 लाख ऐसे इसी के आसपास उन्होंने बताया कि हमने इतने निवेशकों का पेमेंट कर दिया है। तो मैंने एक वीडियो में बहुत से दोस्तों से रिक्वेस्ट किया था कि जितने दोस्त भाइयों ने हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर मैंने उन सभी दोस्तों से वोटिंग मांगा था, तो वहाँ पर बहुत से निवेशकों ने को देखने पर वोटिंग में ये मिला, क्योंकि मैंने अब मैं बता दूं कि वोटिंग में मैंने क्या कहा था। वोटिंग में मैंने ये कहा था कि जिन निवेशकों का भुगतान आ चुका है वे लोग यस कहेंगे और जिन निवेशकों का पैसा नहीं आया है वे लोग नो कहेंगे, या फिर जिन निवेशकों को आया है पूरा आया है या फिर आधा या कुछ भी आया है वो लोग भी बता सकते हैं। तो वहाँ पर देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा पेमेंट नो वाले थे, यानी कि जिनका पेमेंट नहीं आया था, यानी कि वो वीडियोस बहुत सबसे ज़्यादा अधिक चली थी, बहुत देखने को मिला था, बहुत सारा उसमें वोटिंग भी मिली थी, उसमें बहुत आप लोगों का सहयोग भी था। तो वहाँ पर यही देखने को मिला कि जो वोटिंग मिली थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा ना मिलने वालों की थी, और लेकिन और से भी बोल रही कि मैंने बहुत से सबसे ज़्यादा निवेशकों का पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो के जो वोटिंग लगी थी उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 100 में से सिर्फ 1% निवेशकों का भुगतान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 100 में से सिर्फ 1% निवेशकों का भुगतान किया गया था, बाकी निवेशकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सेबी क्या कर रही है, यहाँ पर सेबी कर रही है हम लोगों के साथ धोखाधड़ी, क्योंकि हम लोगों को पैसा देना नहीं चाहती या फिर पैसा पूरा खा जाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यही है, यही कारण था कि हम लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो क्या अब हम लोग जो बहुत से निवेशक कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा पैसा आएगा भी या फिर नहीं आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि सेबी ने पिछले वीडियो में यही पिछले जो 3 दिसंबर को इन्फॉर्मेशन दिया था उन्होंने उसमें बताया था कि हम लोगों का पैसा अभी जो नहीं आया है जिन निवेशकों का, उन निवेशकों के लिए फिर से उस पोर्टल को ऑन किया जाएगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन फिर से करें, या फिर जिन निवेशकों का रजिस्ट्रेशन गलत है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जिन निवेशकों का साइट पर या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था क्यों गलतियाँ हुई थी, हम लोगों गलतियों पर भी बात की है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि सबसे ज़्यादा सेबी यहाँ पर भी
उन निवेशकों को पैसा नहीं दिया जिनका बांड यानी जिन्होंने रसीद सब कुछ जमा किया था और उन्होंने उनका भी पेमेंट नहीं दिया। मान लीजिए हमारा पास 5 बॉन्ड हैं, 5 बॉन्ड में से एक बॉन्ड का भी पैसा नहीं आया, क्या हमारे 5ों बॉन्ड गलत निकलेंगे? ऐसा तो है नहीं। जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया, जब हमने उसको पूरा पूरी तरह से फिलअप कराया है एक एक अच्छा देख करके, तब मेरा गलत कैसे हो सकता है? मैंने खुद स्वयं भरा है, कोई और भरता तब तो मैं अपनी गलती मान सकता था कि हाँ वो गलती कर सकता है, लेकिन जब मैंने स्वयं भरा है एक एक पॉइंट एक एक अक्षर मिला करके, तब मेरा गलती कैसे हो सकता है? वहाँ पर भी जिन्होंने यहाँ पर भी गलती की कि जिनका सही होते हुए भी उनका पेमेंट नहीं किया गया, एक सेबी ने यहाँ पर भी गलती की है। तो आप लोग यहाँ पर भी ध्यान पूर्वक सुनिए कि सेबी ने यहाँ पर भी एक गलती की है, और सेबी ने यहाँ पर भी सबसे बड़ी गलती ये की है कि उन्होंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन गलत है, आपने रजिस्ट्रेशन जो किया है उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। तो सेबी को यहाँ पर ये करना चाहिए कि जिन निवेशकों का रजिस्ट्रेशन गलत है उन सभी निवेशकों को उनको मैसेज कर दें, उन जिन्होंने जो यहाँ पर वो उन्होंने लगा जो नंबर लगाया है उस नंबर पर वो बता दें भैया आपका जो आवेदन हुआ है वो गलत है, कृपया आप रजिस्ट्रेशन फिर से कराएं। ये भी सेबी को करना चाहिए, उन्होंने ये भी नहीं किया, या जिससे पता चलता है कि सेबी चोर है और वो हम निवेशकों को पैसा देना नहीं चाहती। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उन्होंने तो सिर्फ कह दिया कि इन निवेशकों का आवेदन गलत है, ये लोग आवेदन फिर से कराएं, तो इससे क्या हासिल होता है? अरे आप खुद बता दीजिए कि आपका आवेदन गलत है, आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग फिर से जा कर के आवेदन कराइए। तो आपने तो बोल दिया कि आप लोगों का आवेदन गलत है, अभी तक आप लोगों ने साइट भी ओपन नहीं किया है, साइट ओपन भी कर दीजिए जिससे कि जिन निवेशकों का आवेदन गलत है वे लोग जा कर के आवेदन करें, जिससे लोग अपना पैसा पूरा पा सकें। अब बात यहाँ पर आती है कि जिन निवेशकों कुछ निवेशकों को आपने पेमेंट किया है, अब दूसरा यानी तीसरा पॉइंट है जो कि बोलते हैं कि हमने इतने निवेशकों का आवेदन कर दिया है। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए आवेदन जो किया है और जो भुगतान किया है, भुगतान आपने किया है जिन निवेशकों का, उन निवेशकों को पूरा पैसा आपने दिया ही नहीं, अब वे लोग क्या करें? क्योंकि मान लीजिए उन्होंने आप यानी उन्होंने 2 लाख का अकाउंट भुगतान उन्होंने अपना जमा किया है 2 लाख, तो आपने उनको सिर्फ 10,000-20,000 ही जमा उनको वापस किया है, तो वे लोग पूरा पैसा कैसे पाएं? इसका भी आप लोगों को सोल्यूशन देना होगा। आप उनको भी ये भी यानी कि वे लोग भी क्या आवेदन कर सकते हैं उसका भी सुविधा बताएं, या भी उस पोर्टल में भी सारी सुविधाएं चालू करें जिससे कि जिन निवेशकों को कम पैसा आया वे लोग भी अपना पूरा पैसा ले सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि जिससे कि हमारा पैसा पूरी तरह से हम लोग अपना पा जाएं, भले ही हम लोगों को ब्याज सहित ना मिले लेकिन हमारा जो मूलधन है वो तो मिल ही जाए। तो यहाँ पर सेबी को फिर से चालू करना होगा उन सभी पोर्टल पे को, और उन सभी पोर्टल पे इन सारी सुविधाओं को चालू करना होगा जिससे कि हम निवेशकों को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लोग अपना पैसा पूरी तरह से पा सकें। अगर सेबी पूरी तरह से पैसा देना चाहती है हम निवेशकों का, तो वो पोर्टल को फिर से ऑन करेगी और उसमें ये सब जरूर बता दे कि जिन निवेशकों ने का पूरा पैसा नहीं आया है वे लोग इस टाइप अपना आवेदन करें, जिन्होंने जिनको पूरा पैसा अभी तक कुछ भी नहीं आया है वे लोग इस टाइप इस वाले कॉलम से अपना रजिस्ट्रेशन करें, और जिनका पिछले अकॉर्डिंग यानी कुछ बांड या रसीदें जो खो चुकी हैं वे लोग प्रूफ के तौर पर कुछ ये तरह के यानी कि अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग निवेशकों को सुविधाजनक ऐसा पोर्टल बनाए जिससे हम लोगों को सुविधा हो, कोई भी परेशानी ना हो कि हम निवेशकों को पेमेंट लेने में, क्योंकि आप लोग तो सीधा वहाँ से बोल देंगे कि हाँ भैया आपका ये गलत है, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा ये गलत है? क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को उस पोर्टल में वो ऑप्शन देना चाहिए कि किसी का भी कोई भी गलती हो तो उसको एडिट कर सके,
उसको सुधार सके। सुधारने के कोई चांस भी नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर सीधा बताया जा रहा है कि आपका ये गलत है। तो यही सब हमारी बातें हैं हम लोगों को सेबी से कि वो जो पोर्टल बनाए उन पर इन सभी सुविधाओं को लागू करे, सुविधाओं को, जिससे कि हम लोगों को आवेदन करने में सुविधाजनक हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले थे। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी बात करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो या फिर कोई और सुझाव देना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अधिक से अधिक निवेशकों तक पहुँचाइएगा, जिससे वे लोग भी हमारे द्वारा बनाए गए इस दिए गए इन्फॉर्मेशन को वो भी जान सके, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की आवाज़ को ही हथियार बना सकते हैं और पूरा पैसा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करके रखिए मौर्य जी लाइव टच को इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू आप सभी का हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।